राजधानी देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आईआरडीटी सभागार में साहित्य गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजित समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि समारोह में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से कुल 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भाषा संस्थान का जो शुरुआत हुई थी, इसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न बोली भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, ये उत्थान के लिए काम किया जाए और नई पीढ़ी भी जो है भाषा और अपनी बोलियों से पृथक न हो, बल्कि उससे जुड़ करके अपनी संस्कृति के वहाँ के साथ साथ साहित्य और कविताओं के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने का काम करें। तो आज पिछले 2 वर्षों से हम इस पर आगे बढ़े और इस राज्य में हमने साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत की विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न बोलियों में, और ऐसे लोगों के नाम जो कि साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक ऐसा स्थापित नाम है जिसको पूरी देश और दुनिया के लोग जानते हैं। मतलब सुमित्रा नंदन पंजी के नाम से प्रख्या की शुरुआत की, पीतांबर भटवाल जी की, गोविंद जाधव जी की, अजय तमाम मनीषियों के नाम से पुरस्कार की शुरुआत करने के बाद इसमें 1-1 लाख रुपया हम साहित्यकारों को देते हैं। उसमें उन सबके नाम से आज जैसे आपका गुमानी पंत पुरस्कार, सुनील नंदन पंत पुरस्कार, भजन सिंह जोशी पुरस्कार, गोविंद चातक जी पुरस्कार, उज्ज्वल चिश्ती जी पुरस्कार, पूरण सिंह अध्यापक जी पुरस्कार, महादेवी वर्मा जी पुरस्कार, सैलेश मटियानी जी, पीतांबर भटवाल जी और भैरवदत्त झूलिया जी जो मूर्धन साहित्यकार रहे, पत्रकार रहे, इन सबके नाम से यहाँ पर अपने राज्य के सभी साहित्यकारों के बीच में एक जूरी बना करके, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों को रखा गया था।